भक्त भगवान के ऊपर ही डाल देता है, गोपीनाथ सकली तो मार माया। भक्ति कैसे करूं, चारों तरफ तो आपकी माया है, तो आप ही की माया है, इसलिए आप ही उद्धार करो, मुझे नहीं पता, चारों तरफ ही आपकी माया है। नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वधी नहीं एक आया, और मेरे अंदर इतना बल नहीं है कि मैं आपकी माया को पार कर लूं। और ये काया जो है, आप बोलो थोड़ा प्रयास तो करो, तो प्रभु मैं प्रयास भी नहीं कर सकता क्योंकि ये काया भी मेरे वश में नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं बताओ क्या चाहते हो, तो भक्त बोलता है गोपीनाथ नियत चरण स्थान मांगे ए पामर कांदिया कांदिया कर हे करुणा दान। प्रभु रोते रोते आपको बोलता हूँ अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम तो दुर्जन हो, भक्ति भी नहीं करना चाहते, चारों तरफ मेरी माया सब कुछ मेरे ऊपर लगा रहे हो, मैं तुम्हें अपने चरणों में कैसे आश्रय दे दूं, कुछ तो करो। तो भक्त उनको याद दिलाता है गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो, प्रभु आप तो सब जगत को तार सकते हो, दुर्जन तारीते तुम्हार शक्ति के अच्छे पापे रारो, आप अपनी शक्ति से तो हमारा उद्धार कर सकते हो ना, आपने बड़े बड़े दुर्जनों का क्या किया है, उद्धार किया है। फिर भक्त रोते रोते भगवान को बोलता है असुर सकल पाइनु चरण विनो थाकिलो बसी, प्रभु बड़े बड़े असुर अघासुर केशी जितने भी अरिष्टासुर त्रिनावत कितने बड़े बड़े असुर आए, उनको भी आपने क्या कर दिया, अपने चरणों में स्थान दे दिया, और विनोद थाकिलो बसी में अभी तक इस जगत में बैठा हुआ हूँ। तो ये बड़ी ही सुंदर सुंदर हमारी वैष्णवों की प्रार्थनाएं हैं जो हम वहाँ पे जाके भगवान से करते हैं। गोपीनाथ नहीं आर सहे जन्म मरण माला, ये तो जन्म मरण की माला पहन के रखी है, मेरे से और सहन नहीं होती है, नियत चरण स्थान मांगे ए बामर, अपने चरणों में ही मुझे आप स्थान दे दीजिए। बोलो राधा गोपीनाथ जी की जय। अज्ञान्ते मिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान है श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। राधा गोपीनाथ इनकी जो वंदना करते हैं हम, वंदना श्लोक में बताया श्रीमन रास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता कर्षण वेणु स्वनिर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तुना, अर्थात इनको प्रकट किसने किया था, श्री मधु पंडित जी ने। तो मधु पंडित जी ने इनको श्री वंशीवट के यहाँ से, वंशीवट पे ये वंशीवट में नीचे जब दबे हुए थे, मधु पंडित जी वहाँ पर भजन करते थे, और मधु पंडित जी को स्वप्न आदेश दिया भगवान ने कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे यहाँ से उद्धार करो। तो मधु पंडित जी ने वहीं से इनको निकाल के और ये श्री विग्रह की स्थापना करी। श्रीमन रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित, देखो हम लोग के भजन का लक्ष्य क्या है, गुरुदेव गुरुवर्गो से हमने जो प्राय श्रवण करते हैं कि राधा रानी के अनुगत्य में ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण की सेवा करी है, उसी सेवा को हम लक्ष्य करते हैं। हमारा भजन साधन करते करते जब हमारे भाव की अवस्था में प्राप्त होगी, जब वस्तु सिद्धि और स्वरूप सिद्धि, उस समय पर क्या होगा, नित्य गोलोक वृंदावन में राधा रानी के अनुगत्य में, श्री ब्रज गोपियों के अनुगत्य में कृष्ण की हम सेवा करने के अभिलाषी हैं। तो ये कृष्ण जिस विग्रह का, श्री विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं, ये गोपियों के नाथ है, गोपीनाथ। हमने श्रवण किया है ना किस प्रकार कृष्ण का वक्षस्थल इन श्री विग्रह से मिलता है। आप देखो पुरुषों का सौंदर्य, जो पुरुषों की शोभा होती है, चौड़ा वक्षस्थल हो, पतली कमर हो, इस प्रकार का, और तो पुरुषों की इस तरह से सुंदरता दिखती है, उसी प्रकार ये जो गोपीनाथ विग्रह है, ये गोपियां इनसे, ये गोपियों के नाथ है, गोपियां इनसे सर्वश्रेष्ठ रूप में आकर्षित हुई है, इनका वक्षस्थल श्री कृष्ण से मिलता है। और एक विशेष चीज यहाँ पर देखने की जो है, लक्ष्य करने की, वो क्या है, सब जगह पर आप देखोगे कृष्ण के वाम पार्श्व में श्रीमती राधा रानी है, लेकिन यहाँ पर श्रीमती राधा रानी नहीं है, श्रीमती राधा रानी उनके दान साइड में है और बाम अंग में है श्री अनंग मंजरी। ये अनंग मंजरी है राधा रानी की छोटी बहन अनुराधा, इन्होंने ही प्रार्थना करी थी और श्रीमती राधा रानी की प्रार्थना, इनकी प्रार्थना सुन के, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें कृष्ण के वाम पार्श्व में स्थान दूंगी। तो इसीलिए एकमात्र गोपीनाथ में ही देखोगे आप, गोपीनाथ मंदिर में ही बाम अंग में श्रीमती राधा रानी नहीं होके श्री अनंग मंजरी ही है। हम इनके यहाँ पर जो अभी हम कीर्तन कर रहे थे, प्रभु जी ने उसका अर्थ आप लोग को बता ही दिया है,
किस प्रकार हम गोपीनाथ से ही बार बार प्रार्थना करते, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ गुचाओ संसार ज्वाला। भक्ति विनोद ठाकुर ने 3 कीर्तन लिखे हैं गोपीनाथ के विषय में, गोपीनाथ गुचाओ संसार ज्वाला। किस प्रकार हम लोग जो है काम क्रोध लोभ इत्यादि सब हमारे हृदय में भरे पड़े हैं, तो इनको एकमात्र दूरीभूत करने वाले कौन है, यदि गोपीनाथ से हम प्रार्थना करें, इनके चरणों का हम आश्रय लें, तो गोपीनाथ हमें उसमें सहायक बनेंगे। यद्यपि भगवान परमात्मा है, भगवान सब समय विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, तो हमारे हृदय में क्या है वो तो स्पष्ट रूप में जानते ही हैं, लेकिन एक भक्त जब प्रार्थना करता है, जिस प्रकार देखो एक पिता और पुत्र, पुत्र को क्या चाहिए, एक पिता जानता है ना, लेकिन फिर भी यदि पुत्र अपने पिता से याचना करे तो पिता को सुन के बड़ी खुशी होती है। पिता ने कहा कि पिताजी आप बाहर जा रहे, पुत्र ने कहा मेरे लिए आप टॉफी ले आना, तो पिताजी ये बात सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं, यद्यपि वो सब जानते हैं बच्चे की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार भगवान सर्वविद्यमान है, सब जानते हैं, लेकिन हम जब कातर स्वर से भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में यदि हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो उसको श्रवण करके वे निश्चय रूप में हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इसी कृपा की याचना से ही हम सर्वत्र मंदिर मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं, ठाकुर जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते करते हम हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा इसी प्रकार संपूर्ण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोले श्री राधा गोपीनाथ की जय। अरे जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। बोले श्री राधा गोपीनाथ की जय। देखो हमारी गौड़िया वैष्णव में विशेष करके 3 ठाकुर है, कितने ठाकुर है, 3, कहते एक गोविंद, एक गोपीनाथ और एक मदन मोहन, 3 ठाकुर है। कहते जो तीनों ठाकुर ने ये गौड़िया वैष्णव को उन्होंने स्वीकार किया, इनको जीवन को धन्य बनाया, इसलिए आप लोग कथा सुने होंगे हैं। बोले जिस समय कि श्री बज्रनाभ कृष्ण के बेटे के जो बेटा था बज्रनाभ, इनको उत्तरा, उत्तरा कौन है, अभिमन्यु की पत्नी, ये बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की कथा सुनाया करते थे। बोले तेरे जो परदादा था ना, जब बंसुरी बजाते थे, जमुना तो ऐसे बहती हैं लेकिन बंसी की इतने सुंदर बंसी ध्वनि वो उल्टी बहने लग जाती थी, पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाता था, पहाड़ एकदम द्रवीभूत हो जाता था, फूल से मधु झरता था, बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की कथा सुनाया करते थे। अभी सुनते सुनते बज्रनाभ ने बोले दादी जी तुम जो कृष्ण की इतने सुंदर सुंदर कथा सुनाते हो हमें थोड़ा दिखाओगे मेरे परदादा कैसे था। बोले परदादा रहे नहीं, चले गए। बोले तुम तो देखे हो, थोड़ा मूर्ति बना कर दिखा दो। उसने उन्होंने सारे अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को बुलाया, बुला करके उन्होंने कृष्ण को दर्शन किया था। बोले ठीक ऐसे एक कृष्ण मूर्ति बनाओ। तो उन्होंने सारे कृष्ण की सुंदरता को जो वर्णना की, बोले ऐसे एक कृष्ण मूर्ति बनाओ। तो उन्होंने बड़े सुंदर एक कृष्ण मूर्ति बनाई। बोले देखो ये आपने जैसे बताया हमने वैसे बनाया, देखो तो ये ठाकुर जी कैसे। बोले इसमें तो कृष्ण की मुखार बिंद जैसे था वैसे आया, इसलिए वो ठाकुर का नाम रख दिया गोविंद देव, जो जयपुर में गोविंद देव। और एक ठाकुर बनाए, बोले देखो ये बना कि नहीं। बोले कृष्ण का जैसे चरण था ये ठाकुर वैसे बना। बोले उनका नाम रख दिया मदन मोहन। अभी कहाँ पर है, करौली में है। बोले और एक मूर्ति बनाओ, फिर और एक मूर्ति बनाए। बोले ये मूर्ति में कृष्ण की बख्य स्थल जैसे केवल बख्य स्थल आया है, फिर वो ठाकुर का नाम रख दिया गोपीनाथ। गोपीनाथ कहते अगर एक सूर्यास्त में ये तीनों ठाकुर को कोई दर्शन कर ले, उसको साक्षात कृष्ण दर्शन करने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। इतने महिमा ये ठाकुर जी को दर्शन करने का हैं, ये ठाकुर का दर्शन करने का। इसलिए ये जो गोपीनाथ जी कहते ये गोविंद गोपीनाथ जो मदन मोहन ये कौन है, कहते आप जितने सारे ग्रंथ पढ़ोगे आपका आपको तीन चीज मिलेगा। कितना चीज मिलेगा, 3, क्या क्या मिलेगा, संबंध अभिनय। पहला है ठाकुर जी से हमारी संबंध क्या है, कृष्ण हमारा क्या लगते हैं। दूसरी चीज मिलेगी हम उनको पाने के लिए हम कैसे उनको पा सकते हैं। तीसरी चीज मिलेगी हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। ये 3 चीज छोड़ करके शास्त्र में चौथी चीज आपको मिलेगी नहीं, यही 3 चीज मिलेगी। इसमें जो संबंध है ठाकुर जी के साथ जो संबंध देवता ये कौन है, बोले श्री मदन मोहन जी। आप लोगों ने आज दर्शन किया ना ठाकुर जी को, मदन मोहन जी को दर्शन किया, ये हमारी संबंध का देवता। यहाँ पर कहते भैया अगर संबंध बनाना सबको साथ में संबंध मत रखो,
कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल जिसे जो चुड़ाल अमर हो जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो। क्या बना दो? गोपी बना दो। इसलिए कहते संबंध केवल कृष्ण से रखो और किसी देवा देवी को भजन मत करो, मना करते हैं। भजन करना तो केवल श्री मदन मोहन को भजन करो। बोले क्यों? बोले जो मदन को जो मोहित किया है, मदन को जो मोहित किया है श्री मदन मोहन है। बोले श्री मदन मोहन लाल की जय। हम शाम को एक ठाकुर दर्शन करेंगे जिनका नाम है श्री गोविंद देव। क्या नाम है? गोविंद। गोविंद मतलब क्या? गो मतलब होता है इंद्रिया, बिंदती मतलब आनंद देती। हमारी इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करे, इसलिए हमारी जो प्रोसेस, जो प्राप्ति का जो साधन है, इसका जो देवता श्री गोविंद देव। हम शाम को दर्शन करेंगे, इसलिए अभी हम लोगों ने गोपीनाथ मंदिर दर्शन कराए। बोले ना एक सूर्यास्त में अगर ये तीनों ठाकुर को दर्शन कर तो कृष्ण दर्शन करने का बल मिलेगा। सवेरे क्या देखा था? मदन मोहन। अभी क्या देखा? गोपीनाथ। शाम को क्या देखोगे? गोविंद देव जी। गोविंद देव समझो आपको साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल मिल जाएगा आपको। इसलिए अभी ये प्रश्न है, कहते ये जो गोपीनाथ है ये हमारी प्रयोजन का देवता। कौन सा देवता? ये चीज को अच्छा तरह से समझो, ऐसे नहीं परिक्रमा किया सुना और खाली खाली झोली से चले गए। कहते ये जो गोपीनाथ है ये हमारी प्रयोजन का देवता। प्रयोजन का देवता मतलब जीवन में यद्यपि कृष्ण एक ही है, लेकिन एक होने पर भी एक सखा को सख्य रस का कृष्ण है, एक बात्सल रस का कृष्ण है और एक श्रृंगार रस का कृष्ण, गोपी भावना के कृष्ण है, हैं? गोपी भावना के कृष्ण है। इसलिए कहते हम कौन सा कृष्ण को तुम पाना चाहते हो? कृष्ण एक होने पर भी वो रस भेद से तीन है, एक सखाओं का, एक मैया जसोदा कृष्ण और एक गोपियों का कृष्ण है। बोले ये तीनों कृष्ण में कौन सा कृष्ण को तुम पाना चाहते हो? बोले हम श्री गोपियों का कृष्ण को हम पाना चाहते, इसलिए इनका नाम क्या है? गोपीनाथ। बोले गोपीनाथ मतलब क्या है? बोले गो मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। कहते जो इंद्रियां हर समय जो गोपियां नित्य निरंतर जो कृष्ण प्रेम रस को जो पान करती हैं, कहते ये ब्रज गोपियां हैं। इसलिए कृष्ण गीता में एक बहुत बड़े भगवान की, एक बहुत बड़े भगवान की प्रतिज्ञा था। जानते हो क्या प्रतिज्ञा था? कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। इसका तात्पर्य यह है मेरे को जो जैसे भजन करता है मैं भी उसको ठीक वैसे भजन करता हूँ। मतलब अगर एक आना दे तो मैं उसको एक आना देता हूँ, अगर दस आना दे तो दस आना देता हूँ, पंद्रह आना दे तो पंद्रह आना का चीज देता हूँ। उनने सब जगह में तो ये डी को हांके कृष्णा, जो जैसे मेरे को भजन करे वैसे भजन करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने गोपियों के पास में आए ना, गोपियों की जो भक्ति उन्होंने देखा, गोपियों की जो भावना को देखा, कृष्ण अपना प्रतिज्ञा को रख नहीं पाए। उदाहरण देता है, कोई एक पहलवान था, वो डीग हांकता था, कोई हो तो आ जाओ मेरे हाथ में दो हाथ कर लो, लेकिन जहाँ एक सर ना कहीं सवा सर मिल जाता है। एक समय कोई एक सवा सर मिल गया, वो बड़ा डीग हांकता, आओ मेरे साथ में कोई पहलवान, कोई आओ युद्ध करो मेरे साथ में। लेकिन कोई एक सवा सर मिल गया, बस इतने में उसके साथ में युद्ध क्या करेगा? हाथ में केवल हाथ पंजा लगा कर ऐसे दबाया और एक झटका मार दो, सीधा नीचे चरणों को में गिरा दिया। उसने कहा भैया तेरे साथ में पार नहीं पाऊंगा, तेरे पास में तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण तो एक शहर का, लेकिन सवा शहर वाले कौन है? ये गोपियों ने। लेकिन इन लोगों का इतने त्याग था। हम आज शाम को जाएंगे, कृष्ण जब बंसी ध्वनि की, ये गोपियां क्यों आई, सब कुछ क्यों क्यों नहीं आई, कारण क्या, हम शाम को सुनेंगे। इनकी जो प्रेम है ना, कृष्ण इनको पास में आकर कहते हैं गोपियों ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी मैं कभी तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने भाई बंधु पुत्र परिवार सब कुछ छोड़ करके तुम लोग एकनिष्ठ होकर के मेरी भक्ति की है, मेरे लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया। जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, हे अर्जुन तो सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जा,
बोले पाप नहीं लगेगा, अब सब तो सब छोड़ छाड़ दो। कृष्ण कहते नहीं, अहम त्वाम सर्व पापे बमुक्षयामि, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। अगर ऐसे भजन किया तो किसने भजन किया? कहती है ब्रज की गोपियों ने भजन किया है, ऐसे भजन किया। इसलिए जहां पर कृष्ण कहते हैं मैं कभी तुम्हारी ऋणी को ऋणी कभी नहीं बन सकता हूं, इतने तुम लोगों ने मेरे को प्रेम की है। इसे संसार में भी देखो, जैसे देखो जब एक बच्चा बड़ा होता है उसके यार दोस्त होता है, खेलता है कूदता है, लेकिन थोड़ी जब बड़ा हो जाता है ना, जब फिर मैया उसको भी उसको स्तन पान कराती है, सेवा करती है, लेकिन जब शादी हो जाता है ना, फिर क्या होता है, सखा भी दूर हो जाते, दोस्त भी दूर हो जाते हैं, मैया भी दूर हो जाते हैं, फिर साथ में कौन रहता है? बोलो कौन रहते हैं? अगर घर में कभी खटपट हो जाए किसको लेकर अलग हो जाती है? क्यों, पत्नी को क्यों लेकर अलग हो जाती है? जिस मैया तुमको 9 महीना तक गर्भ में धारण किया, तुमको खिलाया, मुंह की खाना निकाल कर तुमको खिलाया पिलाया बड़ा किया, जो यार दोस्त में तुम इतना जीवन बिताया, पत्नी घर में आ गई तो उसको किसने क्या चीज दी जो कि सबको अलग करके पत्नी को बीवी को लेकर रहती है? कारण क्या है? बोले कारण है एक पत्नी को अंदर में ना देखना सारी चीज पत्नी को अंदर में, जैसे एक दोस्त को साथ में बात करे उसको जो आनंद मिलता है, एक पत्नी वो भी आनंद देती है। देखना पिता माता जैसे उसको के लिए जो खिलाना पिलाना जो करती है, पत्नी भी प्रेस कर देती है, खाना बनाती है, सब खिलाती है, पत्नी को अंदर वो भी भावना। और पत्नी के अंदर में जो सर्वांग दे करके जो पति की सेवा है, केवल ये पत्नी कर सकती और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जब शादी हो जाती है सबको अलग करके केवल उसने पत्नी को साथ में रहना शुरू करती। कारण क्या है? उसने सब कुछ उसके अंदर में सारे प्रेम जगत में देखो सारे प्रेम विद्यमान। उसी तरह जो गोपियां हैं ना, इसलिए इनके अंदर में जो सारे रस है ये गोपियों के अंदर में ही, ये सख्य रस का, बात्सल्य रस का, जो मधुर रस का, ये रस सबके सब विद्यमान एक पत्नी को अंदर में, एक स्त्री को अंदर में। इसलिए गोपियों ने जो सर्वस्व दे करके उनने जो कृष्ण रस का, हमें ऐसे कृष्ण की जरूरत नहीं, हमें ये जरूरत गोपियों ने जैसे कृष्ण को भक्ति की, सर्वस्व दे करके गोपियों ने जो उन्होंने कृष्ण सेवा की, हमें ऐसे गोपियों की प्रेम हमें चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, जिसको रूपो गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरिचिराग करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्याम। महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के ये गोपियों ने जैसे भजन की है, ये प्रेम का श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग में देने के लिए आते हैं। कलिजुग में वही प्रेम को देने के लिए आते हैं, ये गोपीनाथ की सेवा देने के लिए आते हैं। इसलिए जो गोपीनाथ, यही हमारी प्रयोजन देवता, मतलब है हम गोपियों ने जैसे भजन की हम भी ऐसे भजन करना चाहते हैं। इसलिए देखना शंकर जी कौन है? देव देव महादेव, लेकिन उन्होंने भी गोपी बन करके आए, ये गोपी बन करके शंकर भी आते हैं। उद्धव भी यही गोपी भाव के लिए प्रार्थना करते हैं। नारद भी, हम जाएंगे गिरिराज गोवर्धन में, वहां पर देखो नारद ये गोपी, नारद भी गोपी बन करे। और हम भी जो भजन कर रहे हैं ना, हम भी इसी भाव को प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे हैं। इसलिए हम श्री गोपीनाथ जी को शरण में आए, हे गोपीनाथ जी अब हम सबको ऊपर में कृपा करो। क्या कृपा करो? गोपियों ने जैसे भजन की, इसलिए श्रुतियों का मंत्र, दंडकारण्य का ऋषि, जनकपुरी की जो नारिया स्त्री, ये सबके सब गोपी भाव में भजन करने के लिए प्रार्थना की। अब इसलिए कृष्ण जब रास लीला की ना, ये सबके सब गोपी बन करके आए। स्वर्ग की जो देवियां वो भी गोपी बन करके आई। इसलिए गोपी भावना ही सर्वश्रेष्ठ भाव है। इसलिए गोपीनाथ से प्रार्थना कर, गोपीनाथ जी अब हमें कृपा करो जैसे हमारे हृदय में गोपियों की भाव जैसे हमारे हृदय में आए। लेकिन ये भाव को लाने के लिए अभी सुंदर गोपाल प्रभु जो भजन गा रहे थे ना, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हाँ हमें विषय दुर्जन सदा कामे रहतो। अभी हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्षा है, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट से भरा हुआ है। अगर ऐसे हृदय होगा तो गोपीनाथ जी नहीं मिल सकते हैं। अगर गोपीनाथ को पाना तो ये चीज को पहले साफ करो। अभी साफ कैसे कर सकते हो? इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबसे सरल उपाय बताए, बोले चेत दर्पण मार्जनम। अगर हृदय को साफ करना चाहते हो सबसे सरल उपाय है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, अगर ये हरि नाम को अगर कोई आश्रय ग्रहण करे और महाप्रभु की धारा में अगर ये हरि नाम को कोई आश्रय करे तो एक भजन है, बोले ए मन गौर बिना नाही आर, ए मन गौर बिना नाही आर, हे ना अवतार हबे की होए छे न प्रेम पर चार, हे न अवतार हवे की होए छे न प्रेम पर चार, हे मन गौर बिना नाही आर, हे मन गौर बिना नाही आर। कहते श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे इतने श्रेष्ठ अवतार हुए नहीं, उन्होंने कहते ब्रह्मा विरिंचिर बांछित जे प्रेम, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी प्रार्थना करते हैं महाप्रभु मुक्त हस्त से ये प्रेम को दिए। बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, महाप्रभु कहते हैं कलयुग में क्या करो, केवल भगवान की थोड़ा नाम करो, अगर मजीरा मृदंग हो अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं हो करताल, कर मतलब हाथ, ताली मतलब ताली, थोड़ा हरिनाम ताली बजाते हुए अगर थोड़ी सी हरि कीर्तन कर दिया तो इसी सही ये दुर्लभ प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें कलयुग में ये नाम का प्रतिनिष्ठा करो, क्या करो, हरि नाम का प्रतिनिष्ठा करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते सोते उठते जगते बैठते क्या करो, ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसी से ही हमें ब्रज प्रेम की प्राप्ति होगी। बोले श्री गोपीनाथ की जय, बोले राधा गोपीनाथ की जय, बोले श्री मधु पंडित की जय, गीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखो अभी इसको बाद में हम जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है श्रृंगार भट्ट, जहाँ पर कृष्ण राधा रानी को अपना हाथों से सुंदर सुंदर फूलों से जहाँ पर श्रृंगार किया उसका नाम श्रृंगार भट्ट। श्रृंगार भट्ट दर्शन करके फिर हम लोग फिर अब लोग प्रसाद कृष्ण कृष्ण कुटी में राधा कुटी है,